नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 17 अगस्त। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो कॉटन के भावों में हमने एक साइडवे प्राइस मोमेंटम देखा। हमने 0.5% की तेजी देखी इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करते हुए। साथ में कॉटन सीड ऑयल केक में बेतहाशा एक बड़ी तेजी हमने आती हुई देखी, जो 7.5% की तेजी रही। वहीं कपास में भी हमने 2.5% की तेजी आती हुई देखी। जी जन से पूरे ही कॉम्प्लेक्स में हमने शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग दी है। ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कुछ बड़ी ऐसी खबर है हाजिर में जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है। हो सकता है जी जन से हमने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इन एरिया में भारी बारिश आई है और अटकलें लगाई जा रही है कुछ क्रॉप्स को भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये हफ्ता भी अगर हम बात करें तो मानसून काफी सक्रिय रहेगा, तो हो सकता है यहाँ से हम अपडेट दें। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन है, वहां पे हमने देखा कि जो फर्स्ट फेज की डील है उसको पूरा करने में चाइना कंटिन्यू बाइंग कर रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने कॉटन को सपोर्ट आते हुए देखा। बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। हो सकता है ये हफ्ते में भी ये रिकवरी कायम रहे, की रेजिस्टेंट पे है बट देखना पड़ेगा। शुक्रवार के सेशन की अगर बात करें तो हमने कॉटन के प्राइसेस में तेजी देखी, कपास में 0.25% की तेजी देखी। कॉटन सीड ऑयल के अच्छी तेजी के बाद मार्केट एक दायरे में अटक चुका है जो 1870 से लेकर 1930 के बीच में रहेगा। वहीं आज मॉर्निंग की अगर बात करें तो इंटरनेशनल में 0.25% की तेजी के साथ कॉटन 63.28 सेंट पे ट्रेड करा, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव है। हमने शॉर्ट कवरिंग बनते हुए देखा बिकॉज वाजडा की जो रिपोर्ट है उसमें नो डाउट प्राइस में जो ड्रॉप है उसका तेजी जो रहा है। वाजडे की रिपोर्ट प्रोजेक्टिंग कर रहा है हाई प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्रीज बोथ इन यूएस एंड ग्लोबल, तो वाजडे की जो नई रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन काफी अच्छा रहेगा और इन्वेंट्रीज भी ज्यादा है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव आना चाहिए, बट लोअर लेवल पे हमने फिर से शॉर्ट कवरिंग बनते हुए देखा। साथ में यूएसडीए ने जो प्रोडक्शन है यूएस का एस्टिमेट वो बढ़ा दिया है, क्रॉप बाय 3% से ऊपर बढ़ाया है, जो करीबन 18.1 लाख मिलियन बेल्स रहेगी। एंडिंग स्टॉक है यहाँ पे हमने देखा है कि इसको भी बढ़ा दिया गया है 11% से, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीचर करता है पूरे ही कॉटन कॉम्प्लेक्स। बट लोकल लेवल्स पे हमने देखा कि जिस ढंग से मानसून सक्रिय है कहीं ना कहीं डैमेज की रिपोर्ट हो सकती है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिला हुआ है। टेक्निकली अगर बात करें तो कोई बड़ा चेंजेस है नहीं, जब तक प्राइजेस 16,800 के ऊपर नहीं निकलता है कॉटन के प्राइजेस दायरे में ही रहेंगे। आज के सेशन की बात करें तो हमें लगता है 16,300 से लेकर 16,550 के दायरे में ही कॉटन ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के लिए हमने पहले भी कहा था कि 1920 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेट से 1930, जब तक 1930 के ऊपर क्लोज नहीं देता है प्राइजेस दायरे में रहेगी। 1870 का लेवल तोड़ने पे पॉसिबल हम फिर से 1800 का लेवल मिल जाए, तो ये दायरा आप मेंटेन करके चलिए। आज अगर 1870 का लेवल ब्रीच होता है तो प्रॉफिट बुकिंग मिल जाएगी और 1930 के ऊपर ही आपको बाय करना है। ये 50 रुपए या 60 रुपए के मूवमेंट के अंदर हमें कोई बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको कमोडिटी से रिलेटेड सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।